हेलो गाइस दिस इज़ डॉक्टर राज सोनी फ्रॉम कौशल्या अकेडमी रायपुर आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में कि क्यों ये वायरस इतना ट्रेंड में है क्यों लोग इससे इतना डर रहे हैं क्यों इस इतना पैनिक का कंडीशन है कि लोग मर रहे हैं डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए ये सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे इस छोटे से वीडियो में तो सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जैक्टली exactly ये वायरस होता क्या है कोई भी वायरस जो है वो आपका एक सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है जो किसी बॉडी के अंदर जाने के बाद ही अपना इम्पैक्ट शो करेगा जैसे आपका कोई सीडी हो गया डीवीडी ड्राइव या पेन ड्राइव हो गया जिसमें मूवीज़ होते हैं पिक्चर्स होती है बहुत सारी पर वो तब तक आप उनको नहीं देख सकते जब तक आपके पास प्लेयर नहीं है जैसे उसको आप किसी सी प्लेयर डिब डी प्लेयर या कंप्यूटर में डालेंगे तभी वो अपने इमेजेस शो करेगा मूवीज चलेंगी सेम वायरस के साथ भी ऐसा ही होता है वायरस जब तक हमारी बॉडी में नहीं है वो एक नॉर्मल सा शुगर के फॉर्म में या सॉल्ट के फॉर्म में रहते हैं जैसा आपको दिखता है सॉल्ट जो सॉल्ट की बॉटल होती है वैसा पड़ेगा पर जैसे ही वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया वैसे ही क्या होगा अपने इंपैक्ट शो करना चालू करेगा तो ये हो गया आप नॉर्मल एक वायरस के बारे में तो कोई भी वायरस जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं एक उसका कवर होगा और दूसरा उसका जेनेटिक मटेरियल होता है जैसे हमारी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में होता है डीएनए इस वायरस कोरोना वायरस के साथ ये चीज़ है कि इसमें आर होता है आर के साथ एक खास बात यह है कि वो अपने आप को टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज करता जाता है कैसे चेंज करता है एक म्यूटेशन नाम का एक टर्म है वो एक फिनोमिना अलग है तो उसके थ्रू वो चेंज हो रहा है अपने आप को एन्वायरमेंट की कंडीशन के कारण या किसी भी अपनी सिचुएशनल चेंजेस कर रहा है तो उस चेंज के कारण क्या हो रहा है कि हम जब कभी भी उसके लिए डिजीज़ के लिए कोई ड्रग बना रहे हैं तो जैसे ही ड्रग बनती है वो अपने आप को उसके लिए रेजिस्टेंट कर लेता है अपने आप को चेंज कर लेता है लो भाई मैं फिर नया आ गया तो ऐसे में आप उस वायरस को मारेंगे कैसे तो इसलिए इसके साथ ये इशू है पर इसका एक अच्छा बात ये भी है एक पॉजिटिव बात की ये अपने आप को अगर पॉजिटिव चेंज कर रहा है तो हमारे लिए एक दूसरा इम्पैक्ट ये भी हो सकता है वायरस अपने आप को वीक कर ले कि जितना चेंजेस ये अच्छा कर रहा है अपने आपको रेजिस्टेंट अभी जैसे देखो किसी कंट्री के किसी पार्ट में उस वायरस से लोग मर रहे हैं हमारी कंट्री में मरने का जो रेशियो है बहुत कम हो गया है ठीक है हमारे जो इंडिया के बहुत सारे जो पार्ट हैं वहाँ पे इस वायरस के का कारण कोई फीचर नहीं आ रहे हैं तो ये उस आ का ही इफेक्ट है जिस कारण ऐसा हो रहा है कोरोना वायरस का जो नाम कोरोना पड़ा है वो क्यों पड़ा है ऐसा क्योंकि उसका जो शेप है वो क्राउन लाइक होता है ठीक है और ये कोरोना वायरस कोई आज का वायरस नहीं है ये कोरोना वायरस बहुत पुराना वायरस है ये ग्रुप ऑफ वायरस है उसी में से एक नया वायरस निकल के आया है जिसको हम लोग नोवेल कोरोना वायरस बोलते हैं और इसका पहला केस 2019 में मिला था इसलिए इसके कारण जो डिजीज होता है उसको हम कोविड 19 या कोरोना वायरस डिजीज 19 बोलते हैं ठीक है थीके? अब इसके जो इन्फेक्शन का रूट होता है कि ये इन्फेक्शन कहाँ पे कॉज कर रहा है कहाँ से इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आएगा तो उसका सीधा सा बात है इन्फेक्शन फैलता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू क्योंकि इसके फीचर नॉर्मल एक इन्फ्लुएंजा के थ्रू जैसे कॉमन कोल्ड जैसा तो इसके लिए हम या तो वो आइस से आएगा क्यों क्योंकि आपकी जो टीयर्स हैं वो नीचे सीधे ओरल कैविटी में ड्रेन होती हैं आपके नोज़ के थ्रू आ सकता है या आपके माउथ के थ्रू या ओरल कैविटी के थ्रू आ सकता है ये तीन ही जगह है जहाँ से हमारे बॉडी में वायरस एंटर कर सकता है तो इनको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं आइस को प्रॉपरली कवर रखें बार बार अपनी आँखों को टच ना करें नाक को और मुँह को अच्छे से मास्क से कवर करें और जितना हो सके अपने मुँह को छूने से बचाएँ और जब कभी भी आप बाहर से आते हैं तो अपने हाथ पैर को अच्छे से धोए हो सके तो नहा नहाँ ये हमारे कंट्री में बहुत ईयर ओल्ड प्रैक्टिस चल रही है कि आप दूर से किसी को नमस्ते करें हमारे हाथ मिलाने का कल्चर नहीं है यह सब कल्चर वेस्टर्न कल्चर है आप कोशिश करें कि हाथ नमस्ते करें जितना हो सके लोगों सोशल डिस्टेंसिंग फ़िलहाल के लिए मेनटेन करें अपनी इम्यूनिटी इम्प्रूव करने में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें जैसे विटामिन के सी के कंटेंट हो गए नींबू खा लिए तुलसी का पत्ता खा लिए और अदरक खा लिए ऐसी चीज़ें जो आपकी बॉडी की ओवरऑल इम्यूनिटी इम्प्रूव करती है उन चीज़ों का कंजम्पशन बढ़ाने से कोई कोरोना वायरस ठीक नहीं होगा पर इससे यह है कि आपकी बॉडी ओवरऑल इम्यूनिटी तो बढ़ेगी इससे कोई घाटा भी नहीं है आपकी इम्यूनिटी बढ़ने से ठीक है तो ये एक नॉर्मल चीज है पर बात यह है कि लोग इससे इतना डर क्यों रहे हैं कोई भी इंसान सिर्फ उसी चीज़ से डरता है जिसके बारे में उसको पता नहीं होता है इसको बोलते हैं फियर ऑफ अननोन तो कोरोना वायरस के साथ भी यही है जैसे जैसे जब ये कोरोना वायरस के कारण पहली बार जब डिजीज़ का केस आया था तब कंट्री में बहुत ज़्यादा कंट्री का पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इसका पैनिक था फियर का कंडीशन था पर जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं और टाइम ड्यूरेशन बढ़ रहा है स्टडीज़ बढ़ रही है लोगों में फियर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है या कम होता जा रहा है आप एकदम नॉर्मल एग्जाम अभी के टाइम पर देख सकते हैं जब शुरुआत में केस आपके फाइव थे तब कैसा कंडीशन था और अभी सेवन लाख केस के ऊपर हो गए तब कैसा कंडीशन है तो आप घर पे रहें सेफ रहें तो यहाँ पे हम लोग अपना वीडियो एंड करते हैं और ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ थैंक यू